हर घर पाठशाला प्रोग्राम के तहत मैं गुलशन कुमार। आज का टॉपिक है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस जो है फर्स्ट चैप्टर क्लास प्लस वन का पार्ट है, तो आज हम जानेंगे इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर में यूज़ होती हैं। सबसे पहले ये एक कंप्यूटर का वर्किंग साइकिल है, कैसे कंप्यूटर में हमारा जो डाटा है वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है। डाटा कोई भी रॉ फैक्ट हो सकता है, कोई भी कैरेक्टर, नंबर, इमेज, ऑडियो या वीडियो हो सकता है, जो कि विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू में फॉरवर्ड किया जाता है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जहाँ पर जो इनपुट है उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं और अकॉर्डिंगली उसको स्टोरेज में सेव करके विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइसेस डिस्प्ले किया जाता है। जब डाटा के ऊपर ऑपरेशन प्रोसेसिंग होती है तो ये इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है एंड विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन वी कैन टेक डिसीजंस। अब हम देखेंगे इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो कंप्यूटर हार्डवेयर के वो पार्ट्स हैं जो कि सीपीयू को डाटा और कंट्रोल सिग्नल भेजते हैं प्रोसेसिंग के लिए, जिसके ऊपर सीपीयू ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करता है। हार्डवेयर यहाँ पर एक टर्म है जो कि कंप्यूटर के वो पार्ट्स होते हैं जिनको हम लोग फिज़िकली टच कर सकते हैं या फील कर सकते हैं। जो मोस्ट कॉमनली इनपुट डिवाइसेस में यूज़ होता है वो कीबोर्ड और माउस है। इसके अलावा भी बहुत सी डिवाइसेस हैं जो कि कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस का काम कर सकती है। इनपुट डिवाइस जो हम इस लेक्चर के अंतर्गत स्टडी करेंगे वो हैं कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, वेब कैमरा, लाइट पेन एंड माइक्रोफोन्स। तो ये सारी डिवाइसेस जो हैं इनपुट डिवाइसेस, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। कीबोर्ड, सबसे पहले कीबोर्ड के बारे में हम लोग जानेंगे। कीबोर्ड जो है वो प्राइमरी डिवाइस होती है इनपुट के लिए। इसके ऊपर कीज़ लगी हुई होती हैं और ये टाइपराइटर की तरह ही काम करता है। इसके ऊपर जो कीज़ लगी हुई होती हैं वो भी आगे कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं, उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 104 कीज़ का स्टैंडर्ड है कीबोर्ड के ऊपर, लेकिन अलग अलग कंपनीज़ के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके मॉडल के ऊपर डिपेंड करते हुए कीज़ की जो नंबर्स हैं वो वेरी कर सकते हैं। कुछ मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स होते हैं, उनके ऊपर स्टैंडर्ड कीबोर्ड से ज़्यादा कीज़ होती हैं। ये इमेज कैटेगरीज बता रही है कीबोर्ड के ऊपर। सबसे पहले सबसे ऊपर फंक्शंस की होंगी। फंक्शन कीज़ F1 से लेकर F12 तक होती हैं। इनके ऊपर F1, F2, F3 से लेकर F12 तक लिखा हुआ होता है। ये कीबोर्ड में टॉप रो में जो है वो लाई करती हैं। अलग अलग प्रोग्राम्स में इनका अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं। ये कॉम्बिनेशंस में भी काम करती हैं। इससे कॉम्बिनेशन से मेरा मतलब ये है कि दो कीज़ जब हम साथ में प्रेस करेंगे तो
ऑपरेशन परफॉर्म होगा। सबसे पहले जैसे F1 की है, F1 की इसका हेल्प के लिए यूज़ होती है। जैसे कि मैं अभी एक स्लाइड शो के अंदर हूँ, तो मैंने F1 की प्रेस करी की तो मेरे पास ये ऑप्शंस आ गए। ये हेल्प है स्लाइड शो के रिलेटिव। F2 की प्रेस करूँगा तो ये रीनेम करने के काम आती है। F3 सर्च करने के काम आती है। F4 अगर हम अल्ट की के साथ दबाएंगे तो ये जो करंट प्रोग्राम रन हो रहा है कंप्यूटर के ऊपर उसको क्लोज कर देता है। F5 भी एक पॉपुलर फंक्शन की है, ये कंप्यूटर को रिफ़्रेश करने के काम आती है, या ब्राउज़र पर जब हम इंटरनेट ब्राउज़ कर रहे होते हैं तो रिक्वेस्ट को दोबारा भेजने के या रिफ़्रेश करने के काम आती है। इसके बाद हमारे पास मेन कीबोर्ड है जिसमें कि करेक्टर कीज़ होंगी, 26 करेक्टर ए से लेकर जेड तक, और नुमेरिक भी होंगी, अल्फ़ा नुमेरिक बोलते हैं इनको, अल्फ़ा नुमेरिक कीज़ 0 से लेकर 9 तक। ये जो करेक्टर कीज़ होती हैं ये सीरियल ऑर्डर में कीबोर्ड के ऊपर नहीं होती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ASDF ऐसे है, ना कि ABC की तरह। कुछ स्पेशल कीज़ भी हैं जैसे कि टैब है, कैप्स लॉक, शिफ्ट, ये जो सबसे बड़ी की है इसको स्पेस बार कहते हैं, और एंटर की, बैक स्पेस, ये सब स्पेशल कीज़ हैं। इसके बाद यहाँ पर कंट्रोल कीज़ हैं जो कि कंट्रोल सिग्नल भेजने के काम आती हैं। इनमें इंसर्ट, होम, पेज अप, डिलीट एंड पेज डाउन, ये सब कीज़ हैं। इसके बिल्कुल नीचे ये नेविगेशंस की हैं, एरो कीज़ भी इनको कहते हैं। ये हमारे पॉइंटर को लेफ़्ट, राइट, अप या डाउन करने के काम आती हैं। इन द राइट हैंड साइड यहाँ पर ये कीपैड है जो कि कैलकुलेटर के पैड की तरह होता है। इसमें 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स हैं, और इसके ऊपर एक स्पेशल बटन लगा हुआ है नंबर लॉक का, जिसको कि जब हम प्रेस करेंगे तो कीबोर्ड के ऊपर एक सिग्नल अपेयर होता है और उससे हमें पता चलता है कि हमारा नोटपैड जो है वो कीपैड ऑन हो गया है और अब हम इसका यूज़ जो है वो कर पाएंगे। क्योंकि जब तक हम नंबर लॉक को ऑन नहीं करेंगे ये कीपैड जो है इसके ऊपर लिखे हुए डिजिट्स हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। अगली जो इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस है माउस। माउस एक हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग इनपुट डिवाइस है, इसको हम लोग पॉइंटर भी कहते हैं, और इसका यूज़ कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करने में होता है। माउस जैसे हम माउस को मूव करते हैं उसके नीचे लेज़र या बॉल लगी हुई होती है जो कि माउस की मूवमेंट को कैप्चर करके सिग्नल जो हैं वो कंप्यूटर को भेजते हैं। माउस हमारा वायर्ड भी हो सकता है और या वायरलेस भी हो सकता है, मींस जो माउस है वो विद द हेल्प ऑफ USB कंप्यूटर से अटैच हो सकता है या वायरलेस टेक्निक से भी उसको ऑपरेट किया जा सकता है। माउस का जो कर्सर है वो स्क्रीन पर मूव करता है, जैसे कि ये मेरा कर्सर मूव कर रहा है। इस कर्सर के साथ हम लोग कंप्यूटर की फाइल्स, विंडो या सॉफ्टवेयर के कोई और एलिमेंट हों उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। माउस मेजरली तीन ऑपरेशन इसमें परफॉर्म होते हैं, एक लेफ़्ट क्लिक है, राइट क्लिक और स्क्रॉल।
तो जो लेफ़्ट क्लिक है जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, नेक्स्ट स्लाइड में ये स्लाइड शो चला गया। सिमिलरली स्क्रॉल बटन है यहाँ पर, इससे हम लोग स्क्रॉल कर सकते हैं ऊपर या नीचे। अगर आपका डॉक्यूमेंट जो है वो लेंथ में काफ़ी बड़ा है तो आप स्क्रॉल बार की हेल्प से उसको स्क्रॉल कर सकते हैं। राइट क्लिक, कंप्यूटर का राइट क्लिक ये वाला पोर्शन है, इसको जब क्लिक करेंगे तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्राम इसकी वेरियस ऑप्शंस जो हैं आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होंगी। जैसे कि मैं यहाँ पर एक राइट क्लिक करूँगा, अभी मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर हूँ तो उसके अकॉर्डिंगली ये ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हो गई। जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ सेलेक्ट करता हूँ, अगर मैं पॉइंटर ऑप्शन को चेंज करता हूँ बॉल पॉइंट में, तो मेरा कर्सर जो है वो बॉल पॉइंट में कन्वर्ट हो गया है। मैं फिर से इसको चेंज करता हूँ, राइट क्लिक किया और यहाँ पर ऑप्शन और यहाँ पर एरो कर दिया, तो एरो में कन्वर्ट हो गया। इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन जो है वो फाइल्स को कॉपी पेस्ट करने के भी काम आता है ये। जैसे कि ये कीबोर्ड की इमेज मैंने सेलेक्ट करी लेफ़्ट क्लिक के साथ, जब मैं राइट क्लिक करूँगा तो ये ऑपरेशन मेरे पास आ रहे हैं। मैं यहाँ से कॉपी पर लेफ़्ट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैंने फिर से राइट क्लिक किया और पेस्ट, तो यहाँ पर एक कॉपी जो ओरिजिनल फाइल थी उसकी एक और कॉपी अवेलेबल हो गई है। इसको कॉपी पेस्ट भी कहते हैं और कीबोर्ड के ऊपर आप लोग इसका शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल की के साथ सी को प्रेस करें तो आपकी जो सिलेक्टेड फाइल है वो कॉपी हो जाएगी, और कंट्रोल बी करेंगे तो आपकी फाइल जो है वो पेस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है दैट इज़ स्कैनर। स्कैनर एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो कि इमेज या किसी डॉक्यूमेंट को ऑप्टिकली रीड करके उसको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है। स्कैनर का यूज़ हम लोग डॉक्यूमेंट, पिक्चर, ड्राइंग या कोई भी फाइल जो कि हमें कंप्यूटर पर एडिट करने के लिए चाहिए उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। स्कैनर हमारे अलग अलग टाइप के आते हैं, जैसे कि हैंड हेल्ड स्कैनर हैं जिनको हम हाथ में पकड़ सकते हैं, फ्लैट बेड हैं जो कि फ्लैट सरफेस के ऊपर लाई करेंगे, कुछ प्रिंटर्स में स्कैनर एम्बेडेड होते हैं, कुछ बिना स्कैनर्स के भी होते हैं, पोर्टेबल स्कैनर्स होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर हम उनको लेकर भी जा सकते हैं। ये एक इमेज है स्कैनर की, इसमें हम लोग इस ट्रे में अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पर प्लेस कर देंगे, कवर को बंद करेंगे और यहाँ पर स्कैन का बटन होगा या कंप्यूटर से हम लोग स्कैन की कमांड देंगे तो जो भी डॉक्यूमेंट स्कैनर के अंदर है वो डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में आ जाएगा। जॉयस्टिक एक और इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक का यूज़ मेनली वीडियो गेम्स में होता है। यहाँ पर इसमें एक हैंडल होता है ऊपर लीवर जैसा, और उस नीचे इसके सेंसर्स लगे हुए होते हैं। इस हैंडल की मूवमेंट को वो सेंसर कैप्चर करके कंप्यूटर के ऊपर भेज देते हैं। ये प्ले स्टेशंस में यूज़ होता है, जैसे कि कोई जेट फ्लाइंग की अगर वीडियो गेम है तो इस हैंडल की मूवमेंट को सिमुलेट करके जेट जो है वो उड़ाया जा सकता है वीडियो गेम्स के अंदर। इस हैंडल को हम लोग किसी भी स्पीड के साथ जो है वो मूव कर सकते हैं और किसी भी डायरेक्शन में हम लोग मूव कर सकते हैं हैंडल को। वेब कैमरा जो एक और इनपुट डिवाइस है, ये हमारी स्टिल
पिक्चर्स या मोशन वीडियो को कैप्चर करने के काम आता है। इसकी हेल्प से हम लोग अपने जो इमेजेस हैं या वीडियो हैं वो कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं, फर्दर उनको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इंटरनेट के ऊपर अगर हमने पब्लिश करने हैं, कैमरा, वेब कैमरा लैपटॉप्स और मोबाइल फ़ोन में अटैच आता है, इंटरनली अटैच होता है, लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर में इसको हम लोग थ्रू यूएसबी भी अटैच कर सकते हैं। आजकल जैसे कि वेब कैमरा के काफ़ी ऑपरेशन यूजेज़ में आ रहे हैं, जैसे वीडियो कॉल अगर हमने करनी है तो वेब कैमरा हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस बन जाती है। ये नीचे एक इमेज है वेब कैमरा की। इसके बाद लाइट पेन है, इनपुट डिवाइसेस। लाइट पेन लाइट सेंसिटिव पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होती है जो कि स्क्रीन के ऊपर डायरेक्टली टेक्स्ट को सेलेक्ट या हाईलाइट करने के काम आती है। लाइट पेन CRT कंप्यूटर्स के साथ यूज़ होता था, CRT कैथोड रे ट्यूब्स, जो कि काफ़ी बड़ी होती थी साइज़ में, जैसे कि हम लोग यहाँ पर इमेज में देख रहे हैं। लाइट पेन की हेल्प से इस टेक्स्ट को हाईलाइट किया जा रहा है। आज कल लाइट पेन का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है क्योंकि टच स्क्रीन ने लाइट पेन की जगह ले ली है। टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस और बोथ आउटपुट डिवाइस का काम करती है। इसके बाद है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन वो डिवाइस होती है जो कि ऑडियो को कैप्चर करती है और साउंड वेव्स को सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है, और आफ्टर दैट वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो हैं वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं और फिर हमारे कंप्यूटर के ऊपर स्टोर कर लिए जाते हैं। तो ये नीचे एक माइक्रोफोन की इमेज है। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि एक माइक्रोफोन है, इसमें एक माइक होता है जिससे कि हम जो भी बोल रहे हैं वो थ्रू दैट डिवाइस डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होकर कंप्यूटर के ऊपर सेव हो रहा है। माइक्रोफोन के भी अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो इसकी ये भी अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। इसमें ओमनी डायरेक्शन माइक्रोफोन्स भी होते हैं या बाई डायरेक्शनल होते हैं। ओमनी डायरेक्शनल का मतलब है वो हर डायरेक्शन से ऑडियो को कैप्चर कर पाएंगे, या बाई डायरेक्शनल होते हैं या सिंगल डायरेक्शन के माइक्रोफोन्स हैं जो एक ही तरफ से वीडियो ऑडियो को कैप्चर करते हैं। जैसे कि आजकल माइक्रोफोन से हम लोग कॉल्स भी अटेंड करते हैं फ़ोन के ऊपर या अपने कंप्यूटर के ऊपर। इसी के साथ आपके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट भी है। हमने ये 7 इनपुट डिवाइसेस जो पढ़ी उनके अलावा आप लोग 3 और इनपुट डिवाइसेस आपने सर्च करनी है www.google.com के ऊपर। ये एक सर्च इंजन है जो कि हमें कंटेंट्स को सर्च करने के लिए हेल्प करता है। तो आप google.com के ऊपर जाकर इसको सर्च कर सकते हैं। इसके साथ मैं अपने टॉपिक को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।